हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी बिहार की ट्रेडिशनल पूड़ी, दाल पूड़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप चने की दाल, ये देखिए, इसे हम ओवरनाइट के लिए सोक करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को पहले से ही भिगो करके रख दिया था, बढ़िया से इसे वॉश कर लेंगे, 2 से 3 पानी के लिए इसे धो लेंगे। अब गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें डालेंगे सरसों का ऑयल, लगभग 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है मैंने, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और डालेंगे इसमें 2 पिंच हींग, हरी मिर्च डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई और अदरक 1 इंच कद्दूकस करके डालेंगे इसमें, बढ़िया से इन्हें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च को साथ में मैंने मिला के पीस लिया था, तो उसका पेस्ट 1 चम्मच लेंगे, हल्दी पाउडर 1 चम्मच लेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच लेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से बढ़िया से खुशबू ना आ जाए। तो 2 से 3 मिनट में ये बढ़िया से मसाले भुन के हो गए हैं तैयार। तो अब हम इनमें डालेंगे ये चने की दाल, इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे। फ्रेंड्स, दाल जितनी बढ़िया से भुनेगी ना, बहुत बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दाल को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें, जब तक कि इसमें से बढ़िया से खुशबू ना आए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, दाल बढ़िया से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे इसमें पानी। तो पहले मैंने 1 गिलास पानी डाला है, थोड़ा पानी और डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के बराबर उतना ही पानी डालेंगे जितने में कि ये दाल पक के तैयार हो जाए, सॉफ्ट होनी चाहिए दाल। तो अब हम यहीं पर डालेंगे इसमें नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसे ढक देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बार चला लेंगे। बढ़िया से इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे और यहीं पे अब हम इसे चेक करके देखेंगे कि दाल पक चुकी है कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़े से दाल को हम इस तरीके से मसल के देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें ये जो खड़े मसाले, तेज़पत्ता जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, इसका फ्लेवर दाल में आ चुका है पहले से ही। तो इसे हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं दाल में हल्की सी नमी अभी है, तो गैस को बंद कर देंगे, ये ठंडे होने पे पूरी तरह से सूख जाएगी। एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और ठंडी होने पे दाल को हम इसमें डालेंगे, इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता था वो सिलबट्टे पे, दादी नानी हमारी बनाती थी तो पीस के बनाती थी। तो अब हम मिक्सी में इसे पीसेंगे, तो इसे भी हम दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी ये रेसिपी एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से बनेगी। तो अब हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे कटी हुई हरा धनिया, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसे। तो चलिए, ये मसाला तो हो गया है रेडी, चलिए अब हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, मैंने टोटल 3 कप आटा लिया है, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आटा कम या ज़्यादा रख सकते हो। 1 चम्मच अजवाइन लिया है, इसे बढ़िया से हथेलियों से क्रश करके लेंगे, साथ ही लेंगे इसमें नमक, इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मोयन लेंगे, तो मोयन इसमें घी का डालेंगे तो बहुत बढ़िया खस्ता दाल पूड़ी बनती है, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, घी डालें तो उसे मेल्ट करके ही डालें। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक सख्त डो लगाएंगे, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, नॉर्मल जैसे पूरी कचौरी के लिए हम आटा गूंथते हैं ना, वैसा ही आटा हमें इसका गूंथना है। तो ये देखिए, आटा हमने गूंथ लिया है,
तो चलिए अब हम दाल पूड़ी बनाते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से आटे की हम लोई ले लेंगे और इसे हथेलियों से मसल के चिकना कर लेंगे। नॉर्मल जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उससे ज़्यादा बड़ी लोई लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरीके से बीच में हम होल बनाएंगे। और चलिए अब हम इसमें मसाले को ऐड भरेंगे, फिलिंग इसकी करेंगे। तो इस तरीके से एक चम्मच भर के हम लेंगे इसमें ये जो दाल वाला हमने मसाला तैयार करके रखा है उससे, और इस तरीके से इसे हम अंगूठे की मदद से इसे प्रेस करते हुए अंदर की ओर सेट करेंगे और ऊपर से हमें हल्के हाथों से इसके मुंह को बंद करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया से बनेंगे, बेलते वक्त ये फटेंगे भी नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सेम प्रोसेस से हमने दूसरी लोई को भी तैयार कर लिया है, ऊपर से इस तरीके से इसका मुंह बंद करना है। तो ये देखिए सेकंड लोई भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्लेट में सूखा आटा लिया है, उसमें इसको बढ़िया से उलट पलट के ले लेंगे। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो बिल्कुल पतली पूड़ियाँ बनानी है फ्रेंड्स, जितना पतला आप बेल सके उतना पतला इसको बनाइए। तो ये देखिए एक पूड़ी मैंने इस तरीके से बेल ली है। तो चलिए इसे अब हम अलग प्लेट में रख देते हैं और दूसरी पूड़ी को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। साइड में मैंने गैस पे तेल को गर्म होने के लिए भी रख दिया है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ऑयल बढ़िया से गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक दाल पूड़ी को। डालने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और जैसे ही इसमें ये देखिए ये फूलना शुरू हो जाए तो इसे इस तरीके से एक से दो बार हिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसे घुमाते हुए, हल्का सा दबाते हुए घुमाते हुए हिलाएंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से ये खुद से फूलने लगती है, ये देख सकते हैं बढ़िया से सुनहरी कलर इसमें आ चुकी है, ये देखिए। तो ये मस्त दाल पूड़ी हो गई है तैयार। इसे बढ़िया से हम ऑयल को निकालते हुए इसे हम अलग कर लेंगे ऑयल से। तो ये देखिए एक पूड़ी हो गई है रेडी। तो अब हम दूसरी पूड़ी को डालते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि पूड़ी को डालते ही तुरंत ना चलाएं, वरना ये बीच में से फट भी सकती है। और दूसरे साइड से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हम तल लेंगे। तो ये देखिए सेकेंड पूड़ी भी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बाकी सारी पूड़ियों को हम तल लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो इस दाल पूड़ी को आप कोई भी सब्जी या चटनी के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के।